प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 18। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 18 दक्षता भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, 0.1 को 1 का दसवां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। कहें 0.3, तो ये इसे लिखेंगे 3 का दसवां भाग। कहें 0.9, तो इसे लिखेंगे 9 का दसवां भाग। अगला है ग 0.10, तो 10 का सवा भाग। 10 का सवा भाग। अगला है सवाल नंबर 2, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। कहें 15/10, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1.5। कहें 38/100, तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.38। गए 115/1000, तो यहाँ 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.115। अगला है सवाल नंबर 3, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। कहें 0.6, तो 6 दशमलव हटा देंगे, 10। कहें 18.9, तो 189/10, दशमलव का 1 और उसके बाद 1 अंक है, तो 10 लगा देंगे। गएँ 0.57, तो इसे लिखेंगे 57/100, दशमलव का 1 और 2 अंक हैं, 20 लगा देंगे। ये इस प्रकार से हम दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 4, मिलान कीजिए। रुपये पैसे का मिलान करना है। 99/100 रुपये यानी 99 पैसे यानी 0.99 रुपये। इसी प्रकार से 1/2 रुपये, इसे हम मिलाएंगे 50 पैसे और इसे लिखेंगे 0.50 रुपया। 1/10 रुपया, तो इसे हम लिखेंगे 10 पैसे और 10 पैसों को हम लिखेंगे 0.10 रुपये। अगला है 5/100 रुपये, इसे हम लिखेंगे 5 पैसे। 5 पैसों को हम लिखेंगे 0.05 रुपये। अगला है 3/4 रुपये यानी 75 पैसे। 75 पैसे को लिखेंगे 0.75 रुपये। अगला है 1/4 रुपये यानी 25 पैसे और 25 पैसों को लिखेंगे 0.25 रुपये। अगला है सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। कहें 5.3, तो इसे लिखेंगे 5/3/10। कहें 8.9, तो इसे लिखेंगे 8/9/10। कहें 4.6, तो इसे लिखेंगे 4/6/10। अगला है ग 6.4, तो इसे लिखेंगे 6/4/10। अगला है अंग 5.92, तो इसे लिखेंगे 5/92/100। अगला है च 2.71, तो इसे लिखेंगे 2/71/100।
समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 6। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। क है 9 सही, 5/10 इसे लिखेंगे 9.5। ख है 2 सही, 7/100 इसे लिखेंगे 2.07। ग है 9 सही, 8/1000 इसे लिखेंगे 9.008। ग है 3 सही, 4/10 इसे लिखेंगे 3.4। अगला है सवाल नंबर 7। दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखना है। पहला है दशमलव संख्या, सैकड़ा, दाई, इकाई और दशांश। इकाई दशमलव के इस तरफ आता है, पहला इकाई, दाई, सैकड़ा और ये साथ हैं दशांश में। तो यहाँ 831.7, सैकड़ा पे 8 है तो इसे लिखेंगे 800, दाई पे 3 है इसे लिखेंगे 30, इकाई पर 1 है 1 लिखेंगे, दशांश पे 7 है तो इसे हम 7/10 लिखेंगे। अगला है 983.2, सैकड़ा पर 9 है तो 900, दाई पर 8 है 80, इकाई पर 3 है 3 और दशांश पे 2 है तो 2/10। अगला है 671.3, सैकड़ा पर 6 है 600, दाई पर 7 है 70, इकाई पर 1 है 1 और दशांश पर 3 है 3/10। इस प्रकार से हम इनका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में गणित में प्रखर कार्यपुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक 18 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए, और विद्यार्थियों जो गणित के सवाल हों उनको आप हमेशा समझते हुए नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करते हैं उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे, बेहतर ढंग से गणित को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।